नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन इश्यू को डिस्कस करेंगे जो वर्तमान में चर्चा में बने हुए हैं। यह वीडियो सीरीज आपको आगे आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV। देखो, द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में HPV वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की है। अगर NTAGI की बात की जाए कि यह क्या है, तो यह एक एडवाइजरी बॉडी है जो UIP के लिए वैक्सीन की सिफारिश करती है, ठीक है। और अगर HPV को देखें तो HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 150 से ज़्यादा वायरस का समूह होता है और ज़्यादातर यह नुकसान नहीं पहुंचाता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इससे स्किन पर पेपिलोमा यानी पिंपल जैसी संरचना हो जाती है जो थोड़ी नुकसानदायक होती है। और यह फैलता कैसे है? देखो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को HPV है तो उसकी स्किन अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्किन के संपर्क में आती है तो यह फैल सकता है। और दूसरा, यह सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है। और होता यह है कि बहुत से बार HPV से ग्रसित लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, दिखने में वो स्वस्थ ही लगते हैं, लेकिन जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उनसे यह रोग स्वस्थ व्यक्तियों में फैल जाता है, ठीक है। और HPV से सर्वाइकल कैंसर का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो ये तो था HPV। अब आता है UIP, भाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? देखो, इसे भारत सरकार ने 1985 में शुरू किया था और यह एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसमें कौन कौन से रोग कवर होते हैं? इसमें BCG, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मिजल्स, टिटनेस, न्यूमोनिया, रोटा वायरस, रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे 12 जानलेवा रोगों के लिए फ्री टीकाकरण मिलता है, ठीक है। तो याद रखना UIP के बारे में, यह 1985 में शुरू हुआ था, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में भी याद रखना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आता है स्त्री स्वाभिमान। देखो, महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह एक पहल है जिसका नाम है स्त्री स्वाभिमान। इसमें होगा क्या? इस पहल में कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र में एडोलसेंट गर्ल्स को और महिलाओं को अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही इस पहल में सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाइयां विस्थापित की जाएगी और इन यूनिट्स को महिलाएं ही ऑपरेट करेगी। तो ये है स्त्री स्वाभिमान, ठीक है, जो महिलाओं को अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स देने से संबंधित है। और साथ ही इस पहल में ये सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाइयां भी स्थापित की जाएगी जो महिलाओं द्वारा ही चलाई जाएगी। और यह पहल किसकी है? यह पहल है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, ठीक है। तो ध्यान रखना स्त्री स्वाभिमान के बारे में। अब आती है नेक्स्ट आर्टिकल जो संबंधित है सुनामी से। देखो, ये आता है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस सिस्टम को इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने स्थापित किया है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। और इस सिस्टम की खासियत ये है कि यह सिस्टम कहीं भी आए 5 मैग्नीट्यूड से अधिक तीव्रता वाले भूकंप का अध्ययन कर 5 से 10 मिनट में सुनामी की चेतावनी जारी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सिस्टम के बारे में। अब देख लेते हैं कि सुनामी क्या होता है। देखो, जब महासागर में भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब महासागरीय जल में तेज गति पैदा होती है जिससे ऊंची तरंगे उठती है और इन्हीं समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सुनामी। और सुनामी की खास बात ये है कि इन जल तरंगों की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है, यानी गहरे समुद्र में इनकी गति कम होती है और उथले समुद्र में इनकी गति तेज होती है। यही मेन कारण होता है कि सुनामी तटीय क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान करती है। क्या होता है कि गहरे समुद्र में तो इनकी गति कम होगी इसलिए कम नुकसान पहुंचाएगी, और उथले समुद्र में इनकी गति तेज होती है। देखो, गहरे समुद्र में क्या होता है कि सुनामी लहर की लंबाई होती है ज़्यादा और ऊंचाई होती है कम। ऊंचाई कम है इसलिए गहरे समुद्र में सुनामी लहरें ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। मान लो अगर कोई जहाज
समुद्र के बीच में है और सुनामी आ जाए तो उसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। परंतु जैसे ही ये सुनामी की लहरें तट के पास आती है तो इनकी लंबाई तो हो जाती है या कम और ऊंचाई बढ़ जाती है। इस वजह से ये तट के पास काफ़ी खतरनाक हो जाती है। आप ये स्क्रीन पे जो फोटो है उसको देखिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था सुनामी और हमने देखा इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, ये आता है प्रोजेक्ट सनराइज। देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, जो लोग नशे के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ऐसे लोगों को एचआईवी एड्स से बचाना इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है। और साथ ही जिन लोगों का एचआईवी एड्स हो चुका है उन्हें फ्री में उपचार और केयर फैसिलिटी भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू उपलब्ध करवाई जाएगी। और यह एक पंचवर्षीय योजना है जो 2020 तक चलेगी और यह परियोजना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की पूरक है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के लोगों से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि नशे के इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों को एचआईवी एड्स से बचाना। थोड़ा अगर हम देखें कि इस प्रोग्राम के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, तो 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। यानी नाको किस लिए बनाया गया था? इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए। पहले एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अवधि थी 1992 से 99 तक, दूसरे की थी 1999 से 2006 तक और तीसरे की थी 2007 से 2012 तक। ठीक है, और नाको किसके अंतर्गत आता है? नाको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, अगर हम भारत में उन राज्यों को देखें जहाँ एड्स की ज़्यादा महामारी ज़्यादा फैली हुई है तो 6 राज्य उनमें मुख्य हैं। जैसे साउथ के 4 राज्य देखो, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और एक महाराष्ट्र, यहाँ पर एड्स के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और नागालैंड में एचआईवी बहुत तेज़ी से फैला है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में जो एचआईवी है ना, उसके फैलने का कारण रहा है नशीली दवाओं के लिए यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन। यानी जैसे एक ही नीडल से सब ड्रग्स ले रहे हैं, तो मान लो किसी को एचआईवी है तो उसी से अगर किसी ने, स्वस्थ व्यक्ति ने उसी से ड्रग्स ले ली तो उसे भी फैल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में फैलने का कारण यही है कि नशे के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेन कारण है। और साउथ में क्या है कि एचआईवी फैलने का मुख्य कारण सेक्स वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इस प्रोग्राम के बारे में और प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में यह क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ये आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। देखो, इस रिपोर्ट का 6th एडिशन यानी 6वां संस्करण जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इस बार इस इंडेक्स में 50 देशों को 40 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। पिछली बार की बात करें तो 45 देशों को रैंकिंग दी गई थी जिसमें से भारत को मिला था 43वां स्थान और भारत सिर्फ पाकिस्तान और वेनेजुएला से ही ऊपर था और पिछली बार फर्स्ट रैंक थी यूएस की। और इस इंडेक्स की बात करें तो यह 2012 में शुरू हुआ था, इस बार इसका 6ठा संस्करण आने वाला है और पिछली बार 5वां संस्करण था। और इसे जारी कौन करता है? इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर जारी करता है। और इसमें इस बार 40 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी, जैसे किसी देश में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स को लेकर क्या स्थिति है, या फिर आईपीआर से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के पुष्टिकरण को लेकर कोई देश कितनी तत्परता दिखाता है। तो ऐसे 40 पैरामीटर चुने गए हैं जिनके आधार पर देशों को रैंकिंग मिलेगी। तो ध्यान रखना इस इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर और इस बार इसका 6वां संस्करण आने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये संबंधित है AEFI से। AEFI से मतलब है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के कारण हुई मृत्यु पर एक रिपोर्ट जारी की है
और ऐसा अनुमान है कि अगर 1 लाख बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया जाता है तो कम से कम 10 बच्चे AEFI के कारण या तो मर जाते हैं या उन्हें अस्पताल में उपचार लेना पड़ता है। देखो ये AEFI का मतलब क्या है? देखो जब वैक्सीनेशन करते हैं तो बॉडी कई बार कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, जैसे कई बार आपने बच्चों में देखा होगा कि जब उनको पोलियो वैक्सीन दी जाती है या फिर अन्य कोई वैक्सीनेशन उनका किया जाता है तो उनको कुछ टाइम के लिए बुखार आ जाता है, जो हालांकि अपने आप सही हो जाता है लेकिन यह कंडीशन कई बार बिगड़ जाती है जिससे बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये होता है AEFI। ठीक है, तो ध्यान रखना एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।